फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहा वे किचन। आज स्नेहा वे किचन में बन रही है व्हाइट सॉस पास्ता। तो उसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी डालकर गर्म होने के लिए रखी हूँ, और उसके बाद मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ऑयल डाल दी हूँ। और उसके बाद ये जब ये पानी बॉयल हो जाएगी अच्छे से, तब इसमें मैं ये 2 कप मैक्रोनी यानी पास्ता मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखें, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, एक दूसरी कढ़ाई लूँगी और उसमें मैं 1 चम्मच ये ऑयल डाल दूँगी, ये मस्टर्ड ऑयल है। और इसमें मैं 1 शिमला मिर्च जिसे मैं क्यूब में कट कर ली हूँ, और उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बस हल्का इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें मैं 1 प्याज जिसे भी मैं क्यूब्स में कट कर ली हूँ, और उसे भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1 गाजर को भी कट करके डाली हूँ। सारे पीसेस मैं इसमें बड़े बड़े ही रखी हूँ, आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं। और इसमें मैं कम से कम 2 से 3 चम्मच स्वीट कॉर्न ऐड कर दी हूँ, उसे भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। अब उसके बाद मैं इन सब को अलग एक बाउल में निकाल के रख लूँगी। ये देखिए, सभी मैं निकाल ले रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसी कढ़ाई में मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल और भी डाल दी हूँ, और उसमें मैं 1 चम्मच बटर डालूँगी। अब मैं बटर को मेल्ट होने के लिए रखूँगी पहले, और उसके बाद मैं 4 से 5 कली लहसुन के बारीक काट करके इसमें मैं ऐड कर दी हूँ, और इसे अच्छे से पहले फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें 1 हरी मिर्च को कट करके डालूँगी। इसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद फिर मैं इसमें मैदा, ये 2 से 3 चम्मच है, इसे मैं अच्छे से डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि हमारी जो ग्रेवी बनेगी उसमें लंप्स ना हो। और इसे अच्छे से पहले 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखें, इसे गोल्डन ब्राउन भी नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करना है इसे। और इसके बाद मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। ये मिल्क मैं इसमें 1 कप मिल्क डाल रही हूँ, और इसके बाद गैस का फ्लेम को मैं इसमें स्लो ही रखी हूँ। और इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी, जैसे ये 1 चम्मच चिली फ्लेक्स है, और 1 चम्मच मैं इसमें ओरिगानो डालूँगी, ओरिगानो सीजनिंग है ये, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, और स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि नमक मैंने पहले भी यूज किया था, और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी तो चीज़ में भी नमक होता है। अब इसे मैं हल्का हल्का धीमे आंच पे ही चलाते रहूँगी, ताकि ये जल्दी से ठीक ना हो जाए। थोड़ा धीरे धीरे करके इसे पकाएंगे। और इसमें मैं 1/2 कप चीज़ ग्रेट करके डाल रही हूँ, ये मोजरेला चीज़ है, आप के पास जो भी है अवेलेबल, आप स्लाइस चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं और क्यूब्स भी। इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारी ग्रेवी हल्की हल्की थिक होती जा रही है। अब मैं इसमें जो वेजेस फ्राई की थी उसे ऐड कर दूँगी, और इसे इसके बाद मैं इसमें पास्ता डालूँगी, जो पास्ता हमने बॉयल करके रखा था उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, और इसे मतलब चलाएंगे इसे अच्छे से, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो पास्ता में भी अच्छे से लग जाए, और पास्ता में भी इसका फ्लेवर आ जाए। ये हमारी पास्ता एकदम रेडी है, आप इसे सर्व करें ऊपर से चिली फ्लेक्स और ओरिगानो सीजनिंग डाल करके। बहुत ही यमी लगती है फ्रेंड्स। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।